अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। प्रमुख तिलहनी फसलों में से एक सोयाबीन पर दुनिया के कई देशों में मौसम की मार पड़ी है। इसी की वजह से उत्पादन में कमी हो गई है, जिसका असर भारत पर भी पड़ना तय है, क्योंकि हम तिलहन फसलों में से अब भी आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। इसलिए हर साल करीब 70,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात करते हैं, जिसमें से पाम ऑयल के बाद दूसरे नंबर पर सोयाबीन का तेल ही होता है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सूरजमुखी और उसके तेल की आवक नाम मात्र की रह गई है, इसलिए हमारी निर्भरता पाम ऑयल और सोयाबीन पर ज्यादा है। लेकिन मौसम की मार ने पूरी दुनिया में इसके उत्पादन में 5.1% की कमी ला दी है, इसलिए भारत में अच्छे उत्पादन के बावजूद सोयाबीन का दाम MSP से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक ज्यादा रहने का अनुमान है। मौसम की मार के कारण सोयाबीन उत्पादन में कमी का यह अनुमान US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के वर्ल्ड एग्रीकल्चर वीकली एड डिमांड एस्टिमेट्स यानी कि WASDE के हवाले से लगाया गया है। इसके अनुसार चीन के सोयाबीन उत्पादन में 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में सबसे अधिक 16.3% की गिरावट है। दुनिया के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक ब्राजील में 11.1% उत्पादन कम होने का अनुमान है। वहीं अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन 91% कम रहने का अनुमान है। वहीं अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर का कहना है कि पूरी दुनिया में गेहूं का सिर्फ 0.6% कम उत्पादन का अनुमान है। इसके बाद इसे लेकर इतना हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में सोचे कि दूसरी प्रमुख तिलहनी फसल का उत्पादन 51% कम हो जाए तो उसका असर कितना होगा। वहीं ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयाबीन की फसल सूखे की चपेट में आ गई है। उनका कहना है कि सोयाबीन उत्पादन में कमी के अनुमान की वजह से ही इसके तेल का दाम ऑल टाइम हाई पर है। वहीं कोरोना काल से पहले यानी 2020 में की शुरुआत में सोयाबीन के तेल का थोक भाव प्रति लीटर 55 से 60 रुपए था, लेकिन इस साल ये 180 रुपए तक पहुंच गया था। वहीं वर्तमान में भी इसका भाव 165 रुपए प्रति लीटर है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हालातों की वजह से भारत में सोयाबीन का दाम करीब 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बना रह सकता है। इसका MSP 3,950 रुपये प्रति क्विंटल है। कई मंडियों में अब भी यही दाम चल रहे हैं। भारत में तो सोयाबीन का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले करीब 14% ज़्यादा है, लेकिन इसका असर घरेलू मार्केट पर इसलिए नहीं है दिखाई देगा क्योंकि हमारी मांग का करीब 60% खाद्य तेल दूसरे देशों से ही आता है। ऐसे में इसका दाम दूसरे देशों के उत्पादन पर ज़्यादा निर्भर करता है। कुल मिलाकर खाद्य तेलों के मोर्चे पर सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद जनता को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। तो ये थी बात सोयाबीन की कि रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद सोयाबीन का दाम कम नहीं होगा। वहीं ये ब्राजील, चीन और अर्जेंटीना इसकी प्रमुख वजह है।